अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मैच के हीरो सऊद शकील साहब आए थे, उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे गए। वाज लुकिंग काम कंपोज कॉन्फिडेंट एंड उनसे सबसे पहले यही पूछा गया कि पाकिस्तान की बैटिंग पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्न लग रही है। ही सेट के वो ऐसा नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न उसकी बैटिंग है। ये खैर सच है, उन्होंने कहा कि हमने विकेट्स लूज किए और खैर विकेट जो पिच था वो इतना अच्छा नहीं था अर्ली ऑन बैटिंग के लिए, दैट्स वाई हमने है कि पहले अर्ली विकेट्स लूज किए। एंड ही डज नॉट थिंक कि पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो बैटिंग है, नहीं एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की बैटिंग। फिर उनसे पूछा गया कि उन्हें कब पता चला कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं या वो मैच खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टू बी ऑनेस्ट मुझे पहले से पता था कि मैं खेल रहा हूँ, काफ़ी पहले से मुझे मालूम था जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस मैचेस खेले थे और जिस तरह से कॉन्फिडेंस है और जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस की थी तो उससे मुझे पता था कि मैं खेल रहा हूँ और अपनी परफॉर्मेंस से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। फिर उनसे यही सवाल पूछा गया दोबारा कि ओपनिंग पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कंसर्न नज़र आ रही है बिकॉज पाकिस्तान के ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर सक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि ओपनिंग पाकिस्तान का कंसर्न है या बैटिंग कंसर्न है, बिकॉज टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ है और आपको पता ही है कि यहाँ पे हैदराबाद में अर्ली विकेट थोड़ा सॉफ्ट होता है और बॉल रुक के आता है, तो है कि इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और अगर आप अर्ली के 10-15 ओवर्स अगर आप सर्वाइव कर लेते हो तो फिर पिच है कि ईजी हो जाता है बैटिंग के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उसमें विकेट लूज़ किए। बट है कि अभी जस्ट टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है एंड ही पर्सनली डज नॉट थिंक कि ओपनिंग या बैटिंग पाकिस्तान का कोई कंसर्न है। फिर उनसे पूछा गया कि 32-3 था पाकिस्तान जब वो आए बैटिंग करने, तो क्या रिजवान के साथ उनकी डिस्कशन हुई थी, क्या उनके प्लान्स थे, रिजवान के साथ उन्होंने क्या प्लान किया था। तो उन्होंने कहा कि हमने यही प्लान किया था कि मोहम्मद रिजवान विकेट पे स्टे करेंगे एंड मैं अपनी नॉर्मल गेम खेलूंगा। एंड उन्होंने कहा कि आई वाज लकी इनफ कि मुझे अर्ली बाउंड्रीज मिल गई और मेरा प्लान यही था कि मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलूंगा और है कि मैं ज़्यादा है कि डॉट बॉल्स नहीं खेलूंगा। और मैंने है कि उनके कुछ बॉलर्स, मेरा प्लान सिंपल ही था कि मैंने उनके कुछ बॉलर्स को टारगेट किया हुआ था कि जब वो आएंगे तो मैं उन पर अटैक करूंगा और मैं उन पर चांस लेने की कोशिश करूंगा और मैं हिट भी लगाने की कोशिश करूंगा एंड मैं में कामयाब हुआ, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और फिर उनसे पूछा गया कि टेस्ट में उनका जो करियर है वो फिनोमिनल है, वी ऑल नो दैट बड़े बड़े रैकेट्स उनके नाम पे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो वनडे में उन्हें खेल के कैसा लग रहा है, वनडे किस तरह का फॉर्मेट वो वनडे को किस तरह का फॉर्मेट वो फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सबको मालूम ही है कि टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट होती है और जब आप वो क्रिकेट खेलती हो यानी टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो बाकी के फॉर्मेट्स आपके लिए ईजी हो जाते हैं। और मुझे यही खैर शो हो रहा था कि पाकिस्तान की टीम में अगर मुझे वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है या वन डेज खेलनी है तो मेरा नंबर 5 या 6 होगा, बिकॉज बाबर आजम वन डाउन पे बैटिंग करते हैं, 4 पे रिजवान होते हैं, तो 5 या 6 मेरा है कि नंबर हो सकता है अगर मुझे वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है। तो मैंने अपनी गेम इसी तरह से अपग्रेड की है। और फिर पिचेस के बारे में उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसी लगी ये हैदराबाद की जो जिसपे आज मैच खेला गया, उन्होंने कहा कि यहाँ इंडिया में हैदराबाद में अर्ली थोड़ा सा विकेट सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा बॉल रुक के आता है, स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प मिलती है, बट लेटर ऑन है कि काफ़ी अच्छी है कि बैटिंग के लिए अच्छी विकेट होती है। तो अर्ली ऑन हमारा प्लान खैर यही था कि हमें विकेट्स नहीं लूज़ करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अर्ली विकेट्स, बट है कि जो रिजवान और उनकी पार्टनरशिप हुई वो बहुत अच्छी रही और काफ़ी ज़्यादा उससे खैर इनिंग को संभाला मिला। और फिर उनसे पूछा गया कि जो नो बॉल उन्होंने इंपायर से खैर बात की थी, जो फील्डर्स 4 फील्डर्स इनसाइड सर्कल थे, तो उन्होंने कहा कि जब बॉलर स्टार्ट है कि रनअप उसने अपना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि 4 फील्डर्स हैं इनसाइड द सर्कल जो कि रूल्स के अगेंस्ट हैं, दैट्स वाई मैं है कि डाउन द क्रीज आया और मैंने खैर हिट भी किया 6 के लिए एंड देन आई वेंट टू द एम्पायर के भाई ये 4 फील्डर्स इनसाइड द सर्कल हैं तो ये तो नो बॉल हुआ। और फिर खैर नो बॉल भी उसे कंसिडर किया गया और उस पर 6 भी हिट किया था उन्होंने, तो खैर स्मार्ट मूव था उनकी तरफ से, सऊद शकील की तरफ से। और गेम अवेयरनेस भी जो
लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें इस तरह की गेम अवेयरनेस थोड़ी सी उसमें हमारे प्लेयर्स लैक करते हैं, बट इट्स अ गुड साइन कि एक नया प्लेयर जो आया है उसको इतनी गेम अवेयरनेस है एंड इतना ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट भी है कि उसने उस पर हिट भी किया कि ऑब्वियसली नो बॉल है, कि अगर है कि खुदा न खासा कैच हो भी जाता तो वो आउट नहीं होते बिकॉज दैट वॉज देन अ बॉल बिकॉज चार फील्डर्स इन साइड द सर्कल थे. तो अच्छा कॉन्फिडेंस है भाई, अच्छा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अच्छी गेम अवेयरनेस है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. और फिर खैर उनसे पूछा गया कि आपने कहा कि नंबर 5 पे आपकी जगह बनती थी तो आपने अपना गेम चेंज किया है, तो क्या आप ऐसी चेंजेस लाए हैं अपने गेम में? ये सर कि मैं पहले इतनी अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलता था, या मैं बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश नहीं करता था, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता था, मैं ज़्यादा ग्राउंड शॉट्स पर कॉन्सनट्रेट करता था. बट जैसे ही मुझे अगर आपको पाकिस्तान से खेलना होता है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको किस नंबर पर आपकी जगह बन सकती है पाकिस्तान की नेशनल टीम में. तो मेरी जगह 5 या 6 पे ही बन रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुझे एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी और खैर मैं उसमें कामयाब भी हुआ, मैंने अपना पॉइंट शो किया और है कि मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकता हूँ या मैं नंबर 5 या 6 में अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ. एंड टीम मैनेजमेंट का भी शुक्रिया कि उन्होंने मेरी इस एबिलिटी को आइडेंटिफाई किया और मुझे चांस दिया एंड मैं उसमें कामयाब हुआ. और खैर मैं अपनी टेक्निक को एज इट इज़ रखने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं जैसी भी क्रिकेट खेलूँ मैं अपनी टेक्निक को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, टेक्निक के अकॉर्डिंग ही रन्स करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा है कि जल्दी मचाने की मैं कोशिश नहीं करता. एंड दैट वाज इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सऊद शकील एंड ही इज़ अ फिनोमिनल टैलेंट इंडीड. टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े ही हैं, बट लेट्स होप कि इस वर्ल्ड कप में भी वो पाकिस्तान के लिए अहम रन्स करें, पाकिस्तान को की फतह में अहम किरदार अदा करें इंशाल्लाह. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.